हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के विषय गणित अध्याय 12 हिरण का सूत्र प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 7 से हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, ये चित्र अनुसार हमारी एक पतंग है जो की ध्यान देना, इस पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। देखो यहाँ से लेके ये हमारा एक 32 सेमी विकर्ण का क्या है, वर्ग। देखो ये विकर्ण 32 सेमी है तो ये विकर्ण भी क्या होगा, 32 सेमी, क्योंकि वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, दोनों समान माप के होते हैं और दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं। अब देखो बच्चों, इसका निचला भाग क्या है, 6 सेमी 6 सेमी 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विभाव त्रिभुज है। ये निचला भाग क्या है, समद्विभाव त्रिभुज की आकृति का है और ऊपर का भाग क्या है, वर्गाकार बना है। अर्थात इस पतंग को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, यहां से लेके एक शेड ये रहा और यहां से लेके दूसरा शेड ये रहा और तीसरा शेड ये रहा, तो 3 शेडों में यहाँ पे विभाजित किया गया है और हमको तीनों शेडों का यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, मैं इसको नाम देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ लिखता हूं मैं मान लो डी, देता हूँ डी और यहाँ लिखता हूँ ई। तो ध्यान देना, ये ए बी विकर्ण हमारे पास कितना है, 32 सेमी का। तो देखो विकर्ण ए बी बराबर सी डी बराबर कितना है, 32 सेमी है बच्चों। इसलिए ध्यान देना, हमारे पास सी ई का मान कितना हो जाएगा, ये सी ई बराबर होगा 1/2 किसका हो जाएगा, सी डी का। अर्थात सी बराबर होगा 1/2 × 32, इससे काट देंगे अपन, आए समझ में। तो यहाँ पे ध्यान देना कितना आ जाएगा, 16। अर्थात सी का मान कितना प्राप्त हो गया, 16 सेमी हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या क्या करेंगे, ये नंबर 1 ये नंबर 2 त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज 2। अर्थात ध्यान देना, नंबर 1 शेड का जो हमारा त्रिभुज आकार है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, राइट। और हम किससे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, ये हम क्या करेंगे, बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई। अर्थात 1/2 × आधार × ऊंचाई से हम ज्ञात करेंगे, ये 1/2। अब ध्यान दो, हमारे पास में ए बी आधार, ये हमारे पास ए बी आधार कितने का बच्चों, 32 सेमी का है। ऊंचाई, ये ऊंचाई सी ई हमने कितनी ज्ञात की है, 16 सेमी, ये 16 सेमी, 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, ये 16 बार। 16 को 16 से गुणा करेंगे बच्चों, 16 को 16 से गुणा करके देखना 256 आता है, 256 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अर्थात ये जो हमारा नंबर 1 शेड नंबर 2 शेड है, दोनों का क्षेत्र कितना प्राप्त हो जाएगा, 256 सेमी स्क्वायर। और नंबर देखो 3, ये नंबर 3 हमारा, इसका क्या करेंगे, नंबर 3 शेड का क्षेत्रफल, चूंकि ये त्रिभुज है तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हिरण का सूत्र लगाएंगे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले हम एस का मान क्या करेंगे बच्चों, देखो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी 2, राइट। अब देखो यहाँ पे 6 6 8 सेमी की है, तो 6 + 6 + 8 बटा क्या लिखेंगे, 2, तो 6 6 12 में 8 जोड़ देंगे 20, 20/2 बराबर 10 सेमी। अर्थात त्रिभुज का अर्थ परिमाप यहाँ नंबर 3 में हमको कितना प्राप्त हो गया, 10 सेमी प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, लिखेंगे एस की जगह 10, फिर यहाँ लिखेंगे देखो 10 - 6 और यहाँ लिखेंगे फिर 10 - 6 और यहाँ लिखेंगे 10 - 8। ये ए बी और सी का मान लिया अपन ने, राइट। अब देखिए हम इसको करेंगे आगे, 10 10 से 6 गया तो 4, 10 से 6 गया तो 4 और 10 से 8 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, 2 बच जाएगा बच्चों, राइट। 10 4 4 2 बच गया हमारे पास में। अब आप ध्यान देना, इसको आगे करेंगे अपन, टुकड़े करेंगे इसके, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे,
दस का हो जाएगा दो गुणा पांच, चार का मत करो क्योंकि चार का पैर तो पैर वैसे ही बन गया, इंटू दो। अब हम देखो यहाँ पे वर्गमूल क्या करेंगे, देखो दो का पैर बन गया तो दो बाहर निकाल लो, चार का पैर बन गया है पैर तो चार बाहर निकाल लो, और पांच का बना नहीं तो पांच को अंडरूट के अंदर रहने दो। ठीक है, तो ये हो गया दो चौके आठ अंडरूट पांच सी एम स्क्वायर। अब बच्चों आपको ध्यान देना है, ये आठ का आठ अंडरूट पांच का मान रखना है, हमको पांच का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पांच का वर्गमूल ज्ञात करके देखना दो दशमलव दो तीन छह होता है, दो दशमलव दो तीन छह आपको ज्ञात करना सिखाया था मैंने, तो आप ज्ञात करके देखना यहाँ पे ये आएगा इसका। अब देखो चूंकि यहाँ पे इकाई में पांच या पांच से ज्यादा है तो इसमें ही जोड़ देंगे हम, तो आगे क्या लिखेंगे आठ गुणा ये तेईस का बन जाएगा चौबीस, दो दशमलव दो चार। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, देखो दो दशमलव दो चार को आठ से गुणा करेंगे तो आठ सौ बत्तीस की दो हाँसे के तीन, आठ सोलह तीन उन्नीस की नौ हाँसे की एक, आठ सोलह एक सत्रह, और यहाँ पे दो संख्या छोड़ के दशमलव है तो यहाँ दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना यहाँ पे, तो सत्रह दशमलव नौ दो सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार आप इसका इससे छोड़ लो, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना गया है। देखो ये एक दो तीन चार, मतलब एक के अंदर दो है तो ये कुल आठ है, तो आठ दिन 16 हो गई, ये हमारी फूलों की डिजाइन की एक टाइल है। तो क्या ये फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ये टाइलें कितनी है एक दो तीन चार प्लस 16 टाइलें त्रिभुजाकार, जिसे प्रत्येक टाइल की भुजाई 9 सेमी 28 सेमी और 35 सेमी है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का वेग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पॉलिश कराने का वेग तो बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले पर क्या करेंगे इनमें से किसी भी एक टाइल का हम क्या क्या करेंगे क्षेत्रफल, तो देखो कैसे करेंगे एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से, जो कि आपको बता रखा है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये मान ए का मान ये बी का मान ये सी का मान है। अब हम सबसे पहले एस का मान ज्ञात करेंगे अर्धपरिमाप का, ए प्लस बी प्लस सी बड़ा दो से, दिया हुआ है 9 सेमी 28 सेमी 35 सेमी बट्टा 2 सेमी, इन सबको जोड़ देंगे देखो ये कुल हो जाएगा 72 बट्टा 2 सेमी, तो एस बराबर आ गया 36 सेमी, यानी त्रिभुज का हमको क्या प्राप्त हो गया अर्धपरिमाप। अब हम देखो सूत्र में ये मान रख देंगे, बड़ी सरल चीज है, एस भी देखे रख देंगे 37, अब 37 में एक बार घटाएंगे 9, ध्यान देना 36 में से एक बार घटाएंगे 28 और 36 में एक बार घटाएंगे 35, इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। देखो बच्चों अब आप ध्यान देना, ये 36 का 36 36 से 9 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 27, और 36 से 28 घटाएंगे तो बचेगा 8, और 36 से 35 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये बच गया हमारे पास में। अब कर लेंगे भाज्य गुणनखंड, ध्यान देना भाज्य गुण करेंगे इसके 36 के पहले, तो इसका करेंगे देखो 6 गुणा 6 ये पैर बन गया, 27 का करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 राइट। अब हम 8 का करेंगे देखो ध्यान देना 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गया, अब देखो ये पैर बन गया और इसका भी पैर बन गया, ठीक है। अब जिसका पैर बन गया उसको बाहर निकाल दीजिए, 6 का पैर बन गया हमारे पास, 3 का पैर बन गया और 2 का पैर बन गया, जिनका नहीं बना उसको अंदर दीजिए, हमारे पास 3 का और इस 2 का पैर नहीं बना, ये बच गए, ये अंदर रख दो वापस, तो क्या बन गया 6 की 18 18 दुना 36 और ये 3 दुनी 6 36 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास में एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्र आ गया,
तो कुल टाइलें कितनी है हमारे पास 16 सेमी स्क्वायर। तो लिखेंगे इसलिए 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्र कैसे क्या करेंगे ध्यान देना, इसको 16 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक टाइल का कितना आया 36 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर आया, तो इसको हम 16 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो 16 से गुणा कर दीजिए आप, ये अंडर रूट 6 तो वैसे का वैसे ही आएगा, 36 का गुणा 16 से करना, 16 छिकानी 96 की 6 हासिल के 9, 16 की 48 9 जोड़ देंगे 57, तो ये 576 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 16 टाइलों का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान देना इन टाइलों पर पॉलिश कराएंगे, पॉलिश कराने का खर्चा क्या करेंगे, तो लिखेंगे देखो चूंकि एक सेमी स्क्वायर पर पॉलिश खर्च, पर पॉलिश खर्चा कितना हो रहा है 50 पैसे, 50 पैसे का अमल होता है यानी आधा रुपया, 1/2 रुपये। तो देखो एक सेमी स्क्वायर पॉलिश खर्चा कितना आ रहा है 1/2 रुपये, तो 576 सेमी स्क्वायर पॉलिश कराने का खर्चा में क्या करना है, इसलिए 576 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर पर पॉलिश का खर्चा में क्या करना बच्चों, कैसे क्या करेंगे 576 अंडर रूट 6 इसमें भाग किसका दे देंगे, 1/2 का भाग देंगे या गुणा कर देंगे, 1/2 से 1 की बात है राइट, क्योंकि 1 सेमी स्क्वायर का कितना 1/2 रुपया, तो 576 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर का पॉलिश खर्चा क्या करने के लिए इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, आप 2 से काट दीजिए 576 को, तो 2 × 2 = 4 बच गया, 1 × 2 = 16 बच गया, 1 × 2 = 16 288, ये आ गया 288 अंडर रूट 6 रुपए, इतना भी दे सकते हो आप, ये आपका आंसर आ गया राइट, 288 अंडर रूट 6 रुपए आ गया इसका पॉलिश कराने का खर्चा। इसको आगे करना चाहो तो आप ध्यान देना इस अंडर रूट 6 का मान ज्ञात कर लेना, अंडर रूट 6 का मान आप दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कर लेना, तो या तो 2.449 3 स्थान तक ज्ञात कर लेना। अब आगे देखो यहां भी 5 से अधिक है, तो देखो हम लिखेंगे ध्यान देना 2.44 में जोड़ देंगे तो 4 5 हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान देना ये जरूर करना आप आगे करना चाहो तो अंडर रूट 6 का मान होता है 2.45, इसको हम आगे कर सकते हैं 288 × 2.45। अब हम इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो गुणा करके देख लेना आप 288 को 245 से 245 से 5×8=40 की शून्य आशेगी 4, 40×44 की 4 आशेगी 4, 5×10=14, 4×32 की 2 आशेगी 3, 32×3=35 की 5 आशेगी 3, 8×3=11, 2 से गुणा करेंगे 2×16 की 6 आशेगी 1, 2×16=17 की 7 आशेगी 1, 2×2=4 और 1=5, 0×4=2=6, 5×9=6=15, 2×7=9=10, 5×1=6=7, अब देखो 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो ये 2 संख्या छोड़ के दशमलव कर देना 705.60, 705.60 रुपये ये आएगा पॉलिश कराने का खर्चा। अब आप इसका एक्सेस जोड़ लो बच्चों, मैं आपको आगे का सार सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 9 में लिखा है ये हमारे एक समलंब के आकार का क्या एक खेत है राइट है, और इसकी भुजाओं के माप दे रखी है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो समांतर भुजाओं की माप देखो AB और CD हमने दिखाई है, इन समांतर भुजाओं के माप देख रहे हैं कि 25 मीटर और 10 मीटर, और ये असमांतर भुजाएं हैं 14 मीटर और 13 मीटर, इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े सरल सवाल है, इसको ध्यान समझना, हम क्या करेंगे सबसे पहले समलंब को क्या करेंगे दो भागों बांट देंगे, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, या तो इस भुजा के समांतर आप ऐसे खींच दो तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज राइट, तो मैंने लिखे हैं
या आप इस भुजा के समांतर इधर खींच सकते हो तो इधर समांतर चतुर्भुज और इधर त्रिभुज बन जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना हमने क्या किया, एडी के समांतर क्या बी दिया सी राइट। तो ध्यान देना ये 14 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 14 मीटर होगी। ये हमारे पास पूरी कितनी थी 25 मीटर। अब देखो ये 10 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 10 मीटर, चूंकि यहां से लेके कितनी है पूरी 10 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 10 मीटर राइट। अब आप ध्यान देना ये पूरी 25 मीटर थी, 25 और 10 किया कितना बचेगा, ये 15 मीटर बच जाएगा। ये पूरी 25 मीटर थी राइट। तो हमने क्या किया, हमने ए डी समांतर सी ई खींचा राइट। तो हमारे पास ये ए ई सी डी क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई सी डी हमारे पास क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो बच्चों हमारे पास ये दो भाग हो गए, ये त्रिभुज हो गए, ये समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या करेंगे, इस समलंब का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं, त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात करो फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र ज्ञात करो और दोनों को जोड़ देना, तो यह आ जाएगा समलंब का कुल क्षेत्रफल, वो बड़ा रूप बन जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और समलंब का सूत्र लगा के हम ज्ञात कर लेंगे। मैं समझा रहा हूं आपको, सबसे पहले आप बीसी जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्र ज्ञात करो, त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले एस का मान ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, फिर उसकी तीन मुझे मान लो ये ए ये बी और ये सी हो गई, कैसे भी कर लेना 13 + 14 + 15/2 सेमी ए मीटर सॉरी। अब देखो आप 13 + 14 = 27 + 15 = 42 दो का भाग देंगे तो 21 मीटर आ गया यह परिमाप। अब आप सूत्र में मान को रख देना, एस का मान रखेंगे 21, अब 21 से एक बार कटेंगे 13, 21 में से एक बार कटेंगे 14 और 21 में से एक बार कटेंगे 15, यह आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़ा ही सरल तरीका है, देखो 21 का 21, 21 से 13 कम कर देंगे बच्चों 8, 21 से 14 कम करेंगे तो 7 और 21 से 15 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 राइट। आप इसको आगे यही कर लो इसी लाइन में, 21 का भाज्य गुण करेंगे हम 7 × 3, 8 का भाज्य गुण करेंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 7 का होता नहीं क्योंकि 7 स्वयं भाज्य संख्या है। अब 6 का करेंगे 2 × 3 राइट। अब हम इनको 7 का ले देंगे, देखो ध्यान देना 7 कितनी बार आया, 2 बार, तो 7 सा लिख दो, ये 7 ने लिख दिया। अब 1, 2, 3, 4 बार आया, ये 1, 2, 3, 4 और 3 2 बार आया, ये 3 2 बार लिख दो आप, 3 × 3। अब देखो हम इसका क्या क्या करेंगे बच्चों, क्षेत्रफल तो ये पेड़ बन गया, दो दो का क्या बन गया समान संख्या पेड़, तो बाहर निकाल लो 7 × 2 × 2 × 3 मीटर स्क्वायर राइट। ये 7 × 2 = 2, 3 आ गया, गुणा कर दो 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 28 × 3 = 84, तो ये आ गया 84 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्र की ऊंचाई क्या करेंगे, इसलिए ध्यान देना त्रिभुज क्या लिखा है मेरे पास बीसीई, बीसीई का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × आधार की ऊंचाई, आधार कौन सा है बीई, ऊंचाई मैंने लंब डाल दिया, ये लो ए बी सी डी ई एफ सी एफ राइट। अब आप लिखो देखो 1/2 बी का मान कितना है 15 और सी एफ, सी एफ की ऊंचाई नहीं पता कर दिए बच्चों, ये ऊंचाई क्या मान लेंगे एच, ऊंचाई क्या मान लेंगे अपन एच, इस ऊंचाई को क्या मान लिया अपन एच मान लिया, बराबर त्रिभुज बीसी का क्षेत्र कितना दिया है 84, ये आ गया। अब हम एस का मान ज्ञात करना बच्चों, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे,
इसलिए एच बराबर इनका तो हो जाएगा वज्र गुणा 84 गुणा 2 और 15 का हम दे देंगे भाग 84 2 का गुणा करो 2 चौके 8 2 अंटे 16 168 में 15 का भाग देंगे हम तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 15 का भाग देंगे 15 कम 15 बच गया 1 एक रट 18 फिर 18 15 कम 15 बच गया 3 10 रो लगा लिया हमने शून्य उतार लिया 3 शून्य मिलकर 30 तो 15 दूनी 30 ये आ गया हमारे पास में क्या इसकी ऊंचाई। अब जो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई हमको प्राप्त हो गई वो इस समलंब की भी तो ऊंचाई होगी। देखो यहां से लेके समांतर भुजा है और समांतर भुजा के बीच की दूरी है ये कह रहा है ऊंचाई तो हमें समलंब की ऊंचाई क्या प्राप्त हो गई यहाँ पे 11.2 मीटर। इसलिए अब हम याद करेंगे समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का सबू का मतलब समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो देखो बच्चों 1/2 अब समांतर जो कौन कौन सी है 10 मीटर और हमारे पास है ये 10 मीटर थी पूरी कितनी थी 25 मीटर इनका योग कर दो आप 10+25 इंटू ऊंचाई यहां से लेके ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी हमको ये 11.2। अब हम 2 को इससे काट दीजिए यहीं पे तो ये आगे 2×5=10 बच गया 1 2×6=12। अब आगे देखिए 10 से 25 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 35 और ये आ गया 5.6। अब हम गुणा कर देंगे 35 का 5.6 से गुणा कर दीजिए 5×30 की 0 5×25 और 3×28 3×18 की 8×1 3×15 16 0×0 8×8=16 3×6=9 1×1 1×16=16 तो ये आ गया 196 196 मीटर स्क्वायर। तो इस समलंब के आकार का जो हमारा ये खेत था इसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया 196 मीटर स्क्वायर। तो बड़े अच्छी तरह से मैंने आपको समझा है बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम समलंब को क्या करेंगे इसके समांतर रेखा खींच के दो भागों बांटेंगे ये त्रिभुज और ये बन गया समांतर चतुर्भुज। पहले आप त्रिभुज का क्षेत्र हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर लेना फिर दोबारा त्रिभुज का क्षेत्र लगाना 1/2 × 1/2 ऊंचाई ये सूत्र लगा के हम क्या ज्ञात कर लेंगे समलंब की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। बच्चों जैसे हमको त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे वही क्या बन जाएगी हमारे समलंब की ऊंचाई बन जाएगी। इसके बाद हम समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 × समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली खत्म हुई। धन्यवाद।